नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, जया के साथ मैं राजेंद्र देव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी और अहम खबर के साथ हम दोनों हाजिर हैं। और बात चाहे चुनाव की हो या फिर सियासतदानों की, बात चाहे जन सरोकार की हो या फिर ज्वलंत मुद्दों की, हर खबर को आप तक पूरी जानकारी के साथ पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, और वो भी बिल्कुल एक नए अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और सबसे पहले बात करते हैं यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की। चुनाव कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं और उसके लिए सभी पार्टियों ने कमर भी कस ली है और सबकी नजर बहुमत पर है। और इसी बहुमत को हासिल करने के लिए अब जातियों पर हर राजनीतिक दल का फोकस है। बीजेपी अगड़ों के साथ साथ पिछड़ों को और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई। और ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में आज बीजेपी की तरफ से पहली बार यादव सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। विशेष परैया सभागार में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से यादव समाज का सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी लगभग 52% ओबीसी वोट्स में 10% यादव समाज का वोट बैंक हासिल करना चाहेगी। और इसके अलावा आज लखनऊ के पंचायत भवन में लुनिया चौहान जातियों का भी सम्मेलन होगा और इन सम्मेलन के जरिए भी बीजेपी जातिगत वोट बैंक अपनी तरफ साधने की कोशिश करेगी। बीजेपी आज सम्मेलन इसलिए करा रही है क्योंकि बीजेपी की नजर समाजवादी पार्टी के वोट यादव बैंक पर है और वहीं अखिलेश की नजर उस ओबीसी वोट पर है जिसे हासिल कर भाजपा ने जीत हासिल की थी। मतलब एक दूसरे का खेल खराब करने के लिए चुनावी शतरंज पर चाले चली जा रही। लेकिन इस शह और मात के खेल में कौन किस पर भारी है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए हर पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। अखिलेश के वोट बैंक में योगी की सेंध मारी, यादव वोट पर भाजपा की नजर, क्या मुश्किल होगी साइकिल की डगर? भाजपा करेगी यादवों का सम्मेलन, क्या यादवों का मिलेगा मन? देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने शहमात का खेल शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सपा का खेल खराब करने के लिए शुक्रवार को यादव सम्मेलन करने जा रही है। ये सम्मेलन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी के भी शामिल होने की चर्चा है। मतलब युवाओं को सम्मेलन के जरिए भाजपा एक बड़ा संदेश देने जा रही है कि यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी की जागीर नहीं है और भाजपा की सबका साथ सबका विकास वाली बात में यादव भी शामिल है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की नजर अब ओबीसी वोट बैंक पर है और खास तौर से यादव वोट बैंक पर बीजेपी ने अपनी नजरें गड़ाई हुई है। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को यादव समाज का सम्मेलन पार्टी ने आयोजित किया है। हाल ही में भाजपा अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कानपुर में एक दांव चल चुकी है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद सुखराम यादव के परिवार में सेंधमारी करने की कोशिश की गई। खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वहां पहुंचे थे, लेकिन यादव सम्मेलन की चर्चा ने यूपी की सियासत गर्म कर दी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जिस 52% ओबीसी का रोल यूपी में सबसे निर्णायक है, उसका सबसे प्रभावी यादव वोटर उससे दूर रहे। लेकिन जहां भाजपा यादव सम्मेलन के जरिए सेंधमारी करने की कोशिश में है, तो वहीं अखिलेश यादव की नजर गैर ओबीसी वोट पर टिकी है। दरअसल सपा ये मानकर चल रही है कि यादव तो हमेशा उनके साथ हैं और अब तक उसे वोट देते आए हैं, तो इस बार भी देंगे। यही वजह है कि अखिलेश यादव की नजर अब गैर यादव ओबीसी पर भी है। मतलब जिसे ओबीसी और मुस्लिम वोट मिल गया उसकी जीत पक्की, लेकिन ये होगा तभी जब ओबीसी वोट एकजुट हो। यही वजह है कि सपा हो या भाजपा, सबकी निगाहें ओबीसी वोट पर टिकी हैं। अब कौन किसका खेल खराब करेगा और कौन अपना खेल बनाएगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अपने रिपोर्ट के जरिए आपने ये जाना कि आखिर यूपी में यादव वोट, ओबीसी वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
और आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा के पास, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये जो यादव वोटों को साधने का बीजेपी का प्रयास है, ये आज कैसे किया जाएगा, इसमें मुख्य बातें क्या होने वाली है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निश्चित रूप से 52% अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी वोट बैंक है और उसमें 10% है यादव वोट बैंक। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी इन चीज़ों को दिखाया। और देखिए, भाजपा भी ये जानती है कि अगर यादव वोट बैंक में सेनमारी होती है तो सीधे तौर पर उसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, जो अगर हम देखें क्षेत्र यहाँ पर इस समय एक प्रमुख विपक्षी दल है यहाँ पर, और कड़ी चुनौती भी हो सकता है। ऐसे में यादव वोट बैंक को किस तरह से अपनी तरफ लाना है, इसके ऊपर पूरी नज़र है भाजपा की। किस तरह से देखिए, इससे पहले भी जो सम्मेलन हो रहे हैं उनमें ओबीसी के जो सम्मेलन है, अगर हम देखें तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मुख्यमंत्री, वो चाहे कोरोना काल के काम हो, चाहे 4.5 साल में जो भी सरकार ने काम किए उनका जिक्र हो, और उसके बाद उन्हें कनेक्ट करना कि उसमें ओबीसी वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा किस तरह से मिला है। जाहिर सी बात है, देखिए योजना कोई भी हो, अगर उसके लाभ की बात करेंगे तो जब सबसे ज़्यादा अगर भागी हिस्सेदारी की बात करते हैं, अगर वो ओबीसी की है तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो लोग होंगे वो भी ओबीसी के ही होंगे। यही वजह है कि हर योजना में सबसे बड़ी जो संख्या आप देखेंगे वो ओबीसी के लाभार्थियों की होती है। तो जो भी इस समय सम्मेलन हो रहे हैं उनमें बताया जा रहा है, देखिए अब ये वक्त जो है वो बताने का है कि हमने आपके लिए क्या काम किया है, क्या काम था जो पिछली सरकारों ने नहीं किया और हमने कर दिखाया है। इसी तरह से अपनी चीज़ों को रखा जा रहा है सामने विभिन्न वर्ग के लोगों के, और आज इसी तरह जो यादव वर्ग के समाज के लोग हैं उनको, उनके सामने अपनी जो उपलब्धियां हैं सरकार की, जो सरकार ने काम किए हैं इन 4.5 सालों में, उनको रखा जाएगा कि चाहे कोरोना काल हो, चाहे भरण पोषण भत्ते की बात हो, चाहे मुफ्त राशन की बात हो, किस तरह से लाभान्वित किया गया, चाहे विश्वकर्मा सम्मान योजना की बात हो, ये वो तमाम देखिए योजनाएं हैं जो ओबीसी वर्ग के लिए सीधे तौर पर एक तरह से कह सकते हैं लाभान्वित करने वाली रही हैं। और निश्चित रूप से अगर पूरा ओबीसी वर्ग को लाभान्वित किया तो यादव अपने आप जुड़ जाता है, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है, ये भाजपा बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे में तो उनको बताया जाएगा। दूसरी चीज अगर बात करें तो निशाना जो है वो सिर्फ अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे बल्कि निशाना विपक्षी दलों पर भी होगा, यानी ये भी बताया जाएगा कि जब वर्तमान सरकार से पहले सपा की सरकार थी तब यादवों को लेकर क्या काम किए गए, या कौन सी वो काम थे जो होने चाहिए थे लेकिन उन्होंने नहीं किए, वर्तमान सरकार ने कर दिखाए। तो ये वो सारी चीज़ें होंगी जिसको लेकर यादव वोट बैंक को साधा जाएगा, यादवों को अपनी तरफ लाने की कोशिशें की जाएंगी, और इसी के मद्देनज़र ये जो सम्मेलन है वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर सेनमारी होगी यादव वोट बैंक में भाजपा की तो वो होगी सपा के लिए मुश्किलों भरी। और ऐसे में इस अब देखना होगा कितनी मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए इस सम्मेलन से खड़ी हो पाती है, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी का प्रयास जरूर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी की। और चलिए अब आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं, सुबह 10 बजे पीएम मोदी संबोधन करेंगे, राष्ट्र के नाम सुबह 10 बजे पीएम का संबोधन होने जा रहा है जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। पीएमओ ने इस बात की जानकारी भी ट्वीट के जरिए दे दी है कि आज पीएम संबोधन राष्ट्र के नाम देंगे, सुबह 10 बजे पीएम मोदी संबोधन करेंगे, राष्ट्र के नाम सुबह 10 बजे पीएम का संबोधन होगा, सबकी नजर है कि आखिर पीएम किन मुद्दों पर अपना संबोधन देने जा रहे हैं। पीएम ने ट्वीट कर पीएमओ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने जा रहा है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे आज, और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। क्या कारण हो सकता है राष्ट्र को संबोधित करने का, विषय क्या होगा प्रधानमंत्री के, इसको लेकर अब अटकलें तेज हैं। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जब जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया है कुछ बड़ा सुनने को मिला है, और अब नजर टिकी हुई है कि आज जब सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देंगे तो किन विषयों पर फोकस होगा उनका, क्या वो बड़ी बातें हो सकती है, उस पर हम सबकी भी नजर टिकी है। सुबह 10 बजे का वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं रहा, लगभग 3 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। सुबह 10 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर है। पीएमओ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, एबीपी गंगा पर आपको संबोधन जरूर देखेंगे। और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज अहम दिन है, आशीष मिश्रा के साथ साथ 4 आरोपियों को लेकर आज सुनवाई है। जी हां,
सीजीएम कोर्ट में आज कस्टडी की अर्जी पर यह सुनवाई होगी और पुलिस ने आरोपियों की दोबारा कस्टडी के लिए अर्जी डाली थी। और चिकुनिया कांड के अन्य आरोपियों को रिमांड पर सौंपा गया है सुमित जायसवाल, जो कि मुख्य चश्मदीद है इस पूरी घटना में, उससे भी पूछताछ की जाएगी। सत्य प्रकाश और शिशुपाल को भी कोर्ट ने एसआईटी को सौंप दिया है। एसआईटी को 3 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। आज सुबह 10 बजे से 25 अक्टूबर को 10 बजे तक इनकी रिमांड रहेगी। कोशिश होगी कि तमाम सवालों के जवाब इनसे निकाले जाए और सुमित जायसवाल, जो कि मुख्य चश्मदीद बताया जा रहा है, नंदन को भी रिमांड पर लिया गया है। सत्य प्रकाश और शिशुपाल को भी कोर्ट ने एसआईटी को सौंप दिया है, जहां पर अब 3 दिन की ये रिमांड है। यूपी के चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सबसे बड़े मुद्दों में से एक होगा, ये साफ हो चुका है। बीजेपी इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और इससे भी अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं रही है। बिल्कुल, सीएम योगी ने यहाँ तक कह दिया है कि जो राम के नहीं हो सकते वो जनता के काम के नहीं हो सकते। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन नाम के कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों से पूछा और सीएम ने पूछा कि क्या अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस, सपा या बसपा की सरकार होती तो राम मंदिर का निर्माण करवा सकती। कहने को तो ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन इस मुद्दे पर इतना फोकस करने के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। जो राम के नहीं हो सकते और हमारे भी काम के नहीं। चुनावी मैदान में भाजपा का राम बिगुल, राम द्रोही थे, उन्होंने वोट बैंक के लिए लोगों पर बरबर गोली खांड करने का कहा। निशाने पर विरोधी बताया राम द्रोही। 2 नवंबर 1990 को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो अयोध्या में किसी राम भक्त पर कोई गोली चलाने का कहा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के मुद्दे पर चुनावी घमासान। अयोध्या में मंदिर बन रहा है ना, सभी लोग खुश हैं। क्या ये मंदिर का निर्माण कांग्रेस करती, सपा, बहन जी? जब ये इसके विरोधी थे तो फिर कैसे ये लोग करते? भाजपा सरकार के नाम पर शांति और सौहार्द की गारंटी। शारदीय नवरात्रि का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। रामलीलाओं के मंचन के कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम सब कुछ बारे में तब हो पा रहा जब भारतीय जनता पार्टी जाहिर से तब हो पा रहे हैं। आस्था का भी सम्मान हो रहा है। आस्था की दुहाई, विरोधियों की खिंचाई। दंगा मुक्त यूपी का राम राज्य संकल्प। मिशन 2022 का बाहुबली चुनावी काल। आपने केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नारा भी आपने दिया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही। और आपने तो नारा दिया और केंद्र और प्रदेश सरकार ने उसको हकीकत में उतारने का काम किया। अयोध्या के नाम पर योगी की ललकार। चुनावी रणभूमि में राम हुंकार। एक बड़ी खबर इस वक्त में मिल रही है जौनपुर से। बड़ी मस्जिद के पास 2 मंजिला मकान गिर गया है और मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में मां और 3 बच्चे शामिल हैं। एक पड़ोसी भी मलबे की चपेट में आकर मर गया है। हादसे के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बहुत दिनों से मकान जर्जर स्थिति में था। 2 मंजिला मकान ये गिरा है और उसके बाद देखिए आप, दबकर इसके मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई है। 6 की हालत गंभीर, तस्वीरें एक्सक्लूसिव। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। बहुत दर्दनाक है सब कुछ। बड़ी मस्जिद के पास 2 मंजिला मकान गिरा, जर्जर स्थिति में था बहुत दिनों से। और इस दुर्घटना में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।
जिला अस्पताल उनको भेजा गया है इलाज करने के लिए। देखिए जब ये मकान गिरा तो मलबे में कैसे लोग तलाश रहे थे वहां पर लोगों को। और आइए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में यूपी चुनाव की खबरें। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 23 अक्टूबर से होगी शुरू। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। 3 यात्राओं का कार्यक्रम जारी। राजभर से सपा के गठबंधन पर बोले विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल, राजभर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग ढूंढ रहे दल, अगर राजभर इतने शक्तिशाली होते तो अपने दम पर खुद चुनाव लड़ रहे होते। सोनभद्र में सपा से गठबंधन पर बोले राजभर, समाजवादी पार्टी ने मेरी मांगे मानी, 25 अक्टूबर को पीएम मोदी से 4 गुना अधिक भीड़ दिखाऊंगा। सोनभद्र में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, कहा भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जिसने निषादों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, कांग्रेस सपा बसपा के राज में हम कुचले जा रहे थे। किसान नेता पूनम पंडित ने ली कांग्रेस की सदस्यता, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में पूनम को दिलाई गई पार्टी की मेंबरशिप, पूनम ने कहा वो एक मजबूत बेटी के साथ जुड़ी है। लखनऊ के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जाति के नाम पर बटे तो दंगाई होंगे हावी, विपक्ष के मंसूबों को रोकना है तो एकजुट हो जाओ। जालौन में खेल युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी का बेतुका बयान, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बोले उपेंद्र, आजकल मुट्ठी भर लोग ही डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, 95% लोग डीजल पेट्रोल का उपयोग ही नहीं करते। श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपस में भिड़े, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माइक पर बोलने के लिए कार्यकर्ताओं की लगी होड़। और अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास शो क्या चल रहा है का, और ऐसे में गाजियाबाद में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह पहुंचे मशहूर चाय की दुकान पर, और शक्ति ने वहां पर चाय की चुस्की के साथ ली लोगों की राय। तो आइए अब देखते हैं गाजियाबाद में क्या चल रहा है। के चुनाव को लेकर गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है और क्या चल रहा है, चाय की दुकान पर बात करते हैं लोगों से, क्या चल रहा है आजकल? सब चुनावी माहौल तो है, अब इसमें देखना ये होगा कि सियासत जीतती है, इंसानियत जीतती है, या बस क्या बताएं, अब जो होगा उस पे फिर अपना। क्या सोचती है गाजियाबाद की जनता, आप क्या सोचते हैं? भाई जो इस समय शांत प्रिय माहौल जो है वो योगी जी की गवर्नेंस में, उससे हम सेटिस्फाइड हैं। गुंडागर्दी, बदमाशी, इन सब से हमें मुक्ति मिली है और हम यही चाहते हैं कि एक स्वच्छ प्रदेश और एक डेमोक्रेटिक, जो बल्कि बिना किसी गुंडागर्दी के सरकार चलती है और जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है, तो वही हम चाहते हैं कि 22 में योगी जी की सरकार। अब आप खुश हैं, चलिए उन लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं जी क्या चल रहा है आजकल। उत्तर प्रदेश में पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा रंग चल रहा है, और जब से योगी जी की सरकार आई है तब से कुछ अलग ही विशेष को देखने को मिल रहा है। ये बताइए क्या चल रहा है चुनाव को लेकर, क्या चल रहा है, और गाजियाबाद की अगर बात करें, विकास के नाम की बात करें, तो विकास को लेकर क्या क्या काम हुए हैं? काम तो अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे, विकास में काफी अच्छे काम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुश हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो कहाँ है, महंगाई आदमी के हिसाब से है, कमाई उस हिसाब से महंगाई है। बढ़िया चल रहा है, योगी मोदी ही चल रहे हैं और योगी जी ही दोबारा आएंगे। दोबारा आएंगे, कॉन्फिडेंस पूरा है आपको? वैसे जी आप बताइए क्या चल रहा है आजकल। जी सब कुछ बेकार चल रहा है, मैं अपने भाई की बात से सहमत नहीं हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है एलवीटी रोड। सपा के नेता लग रहे हैं आप तो। नेता नहीं है, हम पब्लिक के आदमी है, जो काम क्या है एक भी अपने योगी जी का काम बता दे, अगर मेट्रो वहाँ से आगे को बढ़ा देते हैं नए बस अड्डे से, तो हम मान जाएंगे योगी जी ने काम क्या है। महंगाई क्यों बढ़ी इन लोगों को मालूम नहीं है, इन्हें एलिवेटर रोड दिख रही है बस खाली, एक्सप्रेस वे को दिखाई नहीं दे रहे। इतने हाईवे जितने आज तक हाईवे किसी ने नहीं बनाए, क्राइम 0/0 है यहाँ पे, आपको क्राइम ऐसा नहीं हो रहा। क्राइम नहीं, क्राइम बहुत ज्यादा है, डेली अपहरण, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, तो कितने सारे हो रहे हैं बताओ, कौन सा क्राइम रुक गया? आप आंकड़े दो, मैं आपको आंकड़े दूंगा, मैं आंकड़े दूंगा आपको। सब कहते हैं जेल में भेज दो, जेल में भेज
ऐसा बोल रहे हैं, बलात्कार की देखो रोज घटना हो रही है। आप मुझे आंकड़े दो ना, मैं आप बताइए, एक बताइए, एक गाजियाबाद का बलात्कार केस बता दीजिए आप मुझे। आपके पास आते हैं, आपके पास और लोगों के पास चलते हैं जी, क्या चल रहा है आजकल? हाँ जी बताइए, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी, सब कुछ ठीक ठाक है। महंगाई कैसी है? महंगाई भी बढ़िया चल रही है जी, 80 रुपए किलो टमाटर। अच्छा 80 रुपए किलो टमाटर से क्या महंगाई है? नहीं है महंगाई, क्यों ना, महंगाई तो पूरी पूरी चल रही है, पर ठीक है, बीजेपी सरकार है, वोट उसे ही दे। महंगाई कितनी भी हो जाए लेकिन सरकार बीजेपी बस चाहत है उसते, ऐसे नहीं है, मोदी जी तो चाहत है बस, और कुछ बाकी ऐसी होना। तो देखा आपने गाजियाबाद में लोग क्या सोच रहे हैं और गाजियाबाद में क्या चल रहा है।